देख सकते हैं तस्वीरें जिला यमुनानगर के कमानी चौक से, जहां पर जानू वाल्मीकि के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यहां पर चौक बिल्कुल तरीके से जाम कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाएं यहां पर सड़कों पर बैठ चुकी है और प्रॉपर तरीके से पूरे तरीके से वाल्मीकि समाज द्वारा रोष प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ लग चुकी है, पूरा वाल्मीकि समाज जो है सड़कों पर उतर चुका है, सड़कों पर उतर चुका है। जी हाँ, लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, मेरी सभी से अपील। दूसरी तरफ जो है भारी सुरक्षा बल, जी हाँ लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। देख सकते हैं जानू वाल्मीकि के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर पूरा वाल्मीकि समाज बैठ चुका है जानू वाल्मीकि को न्याय दिलवाने के लिए। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जानू वाल्मीकि के हत्यारों की गिरफ्तारी, अभी तक जो मेन उसमें आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए, जिसके कारण पूरे वाल्मीकि समाज में रोष है, पूरे वाल्मीकि समाज में रोष है। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, नाम भी बोलते रहो ना जी आप, क्या कहना चाहेंगे सर जानू वाल्मीकि का, कितने हत्यारों के अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या जो अभी गिरफ्तार जो इन्होंने मर्डर करा वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, इसमें सचिन पंडित है, सुमित राणा और पुलिस प्रशासन से भी यही मांग है, जब तक मुख्य आरोपी इस केस में है, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक पूरा वाल्मीकि समाज ही नहीं, सारा दलित समाज और पूरे हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का दलित समाज भी एक बड़ी कॉल करेगा। और आज तो सिर्फ ये एक ट्रेलर है शहर के लिए, जो शहर में कुछ दलित विरोधी नेता है या कुछ जो शासन प्रशासन बिकाऊ प्रशासन है, जो पैसे लेके और जो दो लोग उन्होंने पकड़े भी हैं उन पे भी हमें भरोसा नहीं है कि वो लोग मुख्य आरोपी के साथ थे, भी वो सिर्फ एक लोली चुप्पा था ताकि वाल्मीकि समाज शांत रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ये घटिया तकनीक वाल्मीकि समाज को पसंद नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले भी गोलियां लग चुकी थी जानू को, उसके भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या कुछ प्रशासन की नाकामी है? हाँ बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की बहुत तगड़ी नाकामयाबी है, क्योंकि बिकाऊ प्रशासन जो है हमारे शहर का, जो बड़े बड़े संगठनों के साथ मिलकर दलित विरोधी के साथ चलता है, क्योंकि जब भी हमारा कोई बच्चा अगर ऊपर उठता है तो उसे एकदम से नीचे दाब दिया जाता है। तो मैं शासन प्रशासन से भी यही मांग करूंगा कि वो हमारे साथ वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, हम भी उनके साथ चलेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरें, जो मुख्य आरोपी सचिन पंडित समेत जो उनके सुमित और साथ ही साथ छंटी जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज को सड़कों पर इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि अभी तक जो है प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण ना अभी तक किसी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोना जी हमारे बीच में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आपके सामने है जानू वाल्मीकि हत्याकांड में अभी तक दोषियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, जिसकी वजह से आज हमारे समाज को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी, अगर समय रहते गिरफ्तारी कर ली जाती तो आज शायद इससे बड़ा आंदोलन करेंगे जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें, वाल्मीकि समाज यहां पर इकट्ठा हो चुका है, सड़कें जो है रोड को पूर्ण तरीके से, महिलाएं भी यहां पर बैठ चुकी हैं, महिलाओं ने जो है रोड को पूरे तरीके से जो है जाम कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ की साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं महिलाएं यहां पर बैठी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं जानू वाल्मीकि के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं महिलाएं यहां पर बैठी हुई है, महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जानू हत्याकांड के मामले में दो व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया और को नहीं किया गया, वो पैसे लेकर गिरफ्तार किया गया है, वो कोई उनके साथ ही बिकी हुई है सरकार, क्यों नहीं पकड़े गए अब तक, आज 8 दिन हो गए आज पकड़े क्यों नहीं गए अब तक, सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, अगर सरकार के पास का इंसाफ नहीं है तो हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप इंसाफ ले लेंगे। अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए, नहीं किए गए, वो भी अपनी साजिश से गिरफ्तार किए गए, जो दो किए गए हैं, जो जिन्होंने गोली मारी वो भी आजाद फिर रहे हैं। तो जानू वाल्मीकि को न्याय दिलवाने के लिए क्या ऐसी सड़कों पर बैठे रहेंगे? हम ऐसे
ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। सरकार बिकी हुई है, सरकार पहले रमन मार दिया, अब जानू मार दिया। हमें तो इंसाफ चाहिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सर। पुलिस पुलिस जो है सही कार्रवाई नहीं कर रही, नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहे। सब बिके हुए हैं, ये बिके हुए हैं, सब सरकार बिकी हुई है, ये सब बिके हुए हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। तो देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर बैठी है, जब तक इंसाफ नहीं मिलता। हाँ जी अम्मा जी, गुंडे आने चाहिए, जो सिंह जी ने वाल्मीकि चको मारा गया वो ही आने चाहिए। हम भी उनको खत्म करें, उनको हम भी खत्म करें। तो देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी है वाल्मीकि समाज की, जो लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जानू वाल्मीकि की हत्या के बाद जो है मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कमानी चौक पर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। दूसरी ओर की मैं तस्वीरें दिखाऊँ, काफ़ी जो देख सकते हैं गहमा गहमी है। कमानी चौक पिछले 10 से 15 मिनट से जाम हुआ पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समाज के कुछ लोग बातचीत करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर उतरने को वाल्मीकि समाज मजबूर हुआ है, क्योंकि जानू वाल्मीकि के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद जो है यहाँ पर वाल्मीकि समाज इकट्ठा हो चुका है, रोष में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहीं पर जो बैठ चुके हैं जानू के हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाल्मीकि समाज काफ़ी रोष में यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो भारी पुलिस सुरक्षा बल यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं निगम की जो ट्रैक्टर ट्राली आई थी उसे भी जो है रोड पर लगवा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, निगम की जो कूड़ा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्राली थी उसको भी रोड पर लगवा दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाल्मीकि समाज में पूरा रोष है, वाल्मीकि समाज में इस समय रोष है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, वाल्मीकि समाज यहाँ पर काफ़ी रोष में है, क्योंकि जानू वाल्मीकि के हत्यारों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजेंद्र वाल्मीकि हमारे बीच में है, एक बार तो बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो राजेंद्र जी हैं जानू के पिताजी हमारे बीच में, राजेंद्र वाल्मीकि जी, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, इतना समय हो चुका है, आज क्रिया थी और अभी तक पहले 4 महीने लेट जो 307 में पर्चा हुआ था, गोली चली थी, जिसके कारण अपराधी के हौसले इतने बुलंद हुए कि उसने हत्या का अंजाम दिया, और 15 तारीख को ये वारदात हुई। आज 25 हो चुकी है, अभी तक जो मेन अपराधी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, और इस बात को लेकर समाज में रोष है। आज रस्म क्रिया पर जो बाहर से समाज के लोग आए थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और ये धरना प्रदर्शन उसी कड़ी में हिस्सा है। तो जिस तरह से किसी चौक पर जाम लगाया जा रहा है, इसका क्या कारण क्या चाहते हैं? कारण कार्रवाई चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाएं, और अपराधियों का ना पकड़ना कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। आप देख रहे हैं कि 15 से आज 25 हो गई, अभी तक पुलिस का उनका कोई सुराग नहीं। पुलिस कहती है हमारी पकड़ से बाहर है, तो हम लोग जो घर पे रहते हैं, हमारा जो समाज है उसमें रोष है, और इस बात को लेके ये जाम लगा है। और उल्टा में कहा जाता है आपकी जान खतरा है, आपने बच के रहना है, तो हमारे समाज के लोगों ने निर्णय लिया है, जल्दी ही एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी और भारत बंद किया जाएगा। राजेंद्र जी, काफ़ी 307 के पहले मुकदमा दर्ज किया गया था, तब आरोपी नहीं पकड़े गए, और पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामयाबी दिख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके सामने है, इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद पुलिस ने उन अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही, और इसके चलते उनके हौसले बुलंद हुए और उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें मेरे बेटे की जान गई। अगला कड़ा कदम क्या रहेगा समाज की तरफ से? कड़ा कदम, जल्दी एक महापंचायत बुलाई जाएगी जो पूरे भारतवर्ष को बंद करने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरें, जानू के पिताजी हमारे बीच में थे, राजेंद्र वाल्मीकि जी, जिन्होंने बताया कि अगर जानू के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तो जल्द ही पूरे भारत को बंद करने का काम किया जाएगा। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वाल्मीकि समाज काफ़ी रोष में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।